अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। NHM कर्मचारियों ने बड़ा कदम उठाते हुए आज मुंडन करवाया है और सरकार को दिखाया है कि अगर आने वाले समय में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। आज झज्जर के स्थानीय नागरिक अस्पताल में बैठे NHM कर्मचारियों ने अपना मुंडन करवाया। बता दें कि आज मुंडन के दौरान एक महिला कर्मचारी ने भी अपना मुंडन करवाने की बात रखी, लेकिन समाज व कर्मचारी साथियों के समझाने के बाद उसने अपना मुंडन नहीं करवाया। उसने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह अकेली महिला नहीं होगी जो मुंडन करवाएगी, उनके साथ अन्य महिला कर्मचारी भी अपना मुंडन करवाएगी। उसने कहा कि यह सरकार के लिए बहुत ही निंदनीय घटना होगी कि बीजेपी के राज में महिला कर्मचारियों को मुंडन करवाना पड़ रहा है। आज मुंडन करवाने वाले कर्मचारियों ने कहा कि यह सरकार कर्मचारी विरोधी है और जब से सत्ता में आई है कर्मचारियों का हनन कर रही है। क्या नाम आपका? धर्मेंद्र। बताएंगे आज आपने मुंडन कराया, क्या मामला है सारा? सरकार हमारी सुनाई नहीं कर रही, इसलिए मुंडन ताकि सरकार का ध्यान जाए और सुनाई करे और हमारे कितने दिन से धरने पर बैठे हैं? सातवां दिन। तो इस बीच कोई बात हुई है सरकार से? आज का वो है 3 बजे का हो जाए तो देखते हैं। इससे पहले ही बातचीत हुई थी? नहीं, अभी इससे पहले कोई बात हुई। तो क्या मांगे लेकर बैठे हैं? मांग तो हमारी ये पक्का कर दो सेवा सुरक्षा तो मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम सरकार को मर्जी करता। वहीं मुंडन कार्यक्रम के दौरान महिला NHM कर्मचारी ने कहा कि आज उन्होंने अपने कर्मचारी साथियों व समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों के कहने पर मुंडन नहीं करवाया है। अगर आने वाले समय में सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो वह अपना मुंडन करवाएगी और वह अकेली नहीं होगी जो महिला कर्मचारी मुंडन करवाएगी, उनके साथ अन्य महिला कर्मचारी भी मुंडन करवाएगी। बताएंगे धरने पर बैठे हैं NHM के कर्मचारी, क्या है धरने पर इसलिए बैठे हैं कि 1 साल हो गया सरकार हमारी कोई मांगे नहीं मान रही और जैसे मीटिंगों के लिए हमें बुला लिया जाता है, अधिकारी हमें मीटिंग खोली दे देते हैं, एक महीना 1 साल निकाल दिया ऐसे करके। हमारी जो जैसे संशोधन वाली मांग थी, 7th पे कमीशन वाली मांग है और 2500 रुपया वाली मांग है हमारी, जब तक हमारी सारी मांग नोटिफिकेशन जारी नहीं होते हैं हम बोलते हैं। तो और किसी संगठन से बातचीत हुई आपके समर्थन में आने के लिए? भाई वो मैं कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मेरे बड़े बुजुर्गों ने, मेरे स्टाफ वालों ने, मैं आज मुंडन करवाने जा रही थी सरकार के विरोध में, हमारी NHM कर्मचारियों की जो मांगे हैं वो नहीं मान रहे, इसी विरोध में मैं आज मुंडन करवाने जा रही थी अपने साथी कर्मचारियों के साथ, लेकिन सामाजिक कारणों के कारण मेरे बुजुर्गों ने मुझे मना कर दिया। मैंने उनकी शर्म करते हुए आज मुंडन नहीं करवाया और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, मेरे बड़े बुजुर्गों ने, खाप के प्रधानों ने मुझे आश्वासन दिया है, बेटी आज हमारे कहने से रुक जाओ, अगर आज तुम्हारी मीटिंग है, अगर आज मांगे मान ली जाती हैं तो आज अगर तुम्हारी मांगे मान ली जाती हैं तो ठीक है, अगर कल मांगे नहीं मान ली जाती तो कल मुंडन करवाना, और अगर हमारी बेटी हमारी बहुएँ अगर मुंडन करवा के रोडों पे जाएंगी तो हम इस चीज़ का विरोध करेंगे, हमारे साथ खाप पंचायत भी आएंगे, हमारे साथ हमारा सारा समाज आएगा, अगर हमारी औरतें हमारी बेटियां हमारी बहनें मुंडन करवा के, और मैं अकेली मुंडन नहीं करवाऊंगी, मेरे साथ में मेरी साथी कर्मचारी और भी मुंडन करवाएंगे, तो इसी सरकार की नीति, और जब तक हमारा आंदोलन किसी भी हद तक जा सकता है हम हर बार की लड़ाई करने के लिए तैयार हैं, आपकी बार हमदरी से जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। NHM एकता जिंदाबाद, NHM जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। वहीं आशा वर्कर संगठन की ओर से आए एक कर्मचारी नेता ने अपना समर्थन देते हुए कहा कि NHM कर्मचारियों की मांगे जायज है और सरकार उनकी मांगे शीघ्र मानकर उन्हें सम्मान दे, अन्यथा आशा वर्कर भी उनके साथ संघर्ष में शामिल होगी और यह सरकार के लिए कड़ी चुनौती होगी। समर्थन करने आए NHM कर्मचारियों का, हमें आशा वर्कर की तरफ से हमें NHM की सभी मांगों का समर्थन करते हैं और जब तक इनका धरना चलता रहेगा और तब तक हमारा समर्थन भरपूर रहेगा, और अगर हमें इनके समर्थन में हड़ताल करने की भी जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि या तो इनकी मांगों को मान ले, इनका नोटिफिकेशन जारी कर दे, नहीं तो आशा वर्कर यूनियन भी इनके साथ हड़ताल करेगी। झज्जर से गौरव के साथ संजय थरान की रिपोर्ट, हर न्यूज़ हरियाणा।